हाय देयर दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस क्विक एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लैपटॉप के साथ अपना बोया माइक कैसे अटैच कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको पता होगा बोया माइक एक ऐसी चीज़ है जो एक्चुअली हर यूट्यूबर के पास होती ही होती है। एंड ये ऑक्स जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली अटैच होती है हमारे मोबाइल से। एक बात सबसे पहला जो रूल है, जब आप इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर, बहुत छोटी सी जो गलती हम करते हैं कि जब भी आप इस ऑक्स को लगाते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, तो इसके बीच का ये जो सिलेंडर आप देख रहे हैं जिसके अंदर आपने सेल लगा होगा, इस सिलेंडर को आपने क्या करना है कि इसके अंदर जो ऑप्शन आती है स्मार्टफोन कैमरा, उससे चेंज करके आपको इसको करना है कैमरे की तरफ। यानी कि एक्चुअली इस केस में बैटरीज की यूज़ होती है। अगर आप बोया माइक काफ़ी टाइम से मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं तो मोस्ट पॉसिबली जब आप कंप्यूटर में लगाएं तो ये वर्क नहीं कर रहा होगा। तो इसके दो रीज़न होते हैं, एक तो जो मैंने बताया कि ये आपने स्मार्टफोन पे कर रखा होता है, यू हैव टू क्लिक इट ऑन कैमरा। सेकंड चीज़ की बोया माइक जब से आपने लिया है उसका कभी सेल चेंज ना किया हो, क्योंकि सेल अगर ऑफ हो चुका होगा या डेड हो चुका होगा तो भी ये अटैच करने के बाद वर्क नहीं करेगा। तो काफ़ी ये वाली प्रॉब्लम लोगों को फेस होती है कि वो अटैच कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, कैमरा की तरफ कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा। तो इट मीन्स कि आपका सेल जो है वो खत्म हो सकता है। सेल की कॉस्ट 20 रुपीज़ की है, आप लोकल किसी भी मार्केट में जाएंगे तो 20 रुपये में आपको सेल मिल जाएगा वाला। उस सेल को लगाकर फिर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे तो वॉइस वाकई बहुत अच्छी आएगी। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें करना क्या है वो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके बता दूंगा, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना होता है, इस ऑक्स को आपको अपने लैपटॉप के ऑक्स में फिक्स करना है। अगर आपके लैपटॉप में एक ही ऑक्स दे रखा है यानी कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसी में लगेगा। अदरवाइज़ कई बार लैपटॉप की बात करें उसमें दो ऐसा इन ऑप्शन दिए होते हैं, एक होता है ऑडियो और एक होता है हेडफोन। तो आपको इस जहाँ पे माइक बना रहा होगा ऑडियो का, उसमें आपको इसको इंसर्ट करना है। तो इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ राइट हेयर। और अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, द मोमेंट वी प्लग इन अवर बोया माइक, जैसे हम बोया माइक अटैच करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, तो इस तरह का जो आप चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, ये चीज़ पॉपअप होगा आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ये जब पॉपअप होता है तो आपको यहाँ पर जो सिलेक्ट करना है इन जगहों पे, ये देखेगा इधर आपको सिलेक्ट करना है माइक इन पे, क्योंकि ये वाला एक्चुअली जो बोया माइक है इट इज़ अ माइक। सो यू विल हैव टू क्लिक ऑन दिस माइक इन और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद आप यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये नॉइस सप्रेशन ऑलरेडी इनबिल्ट कंप्यूटर्स देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जब आप इसको लगाते हैं तो कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर्स की आवाज़ जो है ना वो इस माइक में भी आने लगती है, तो इसलिए नॉइस सप्रेशन उन्होंने इनबिल्ट दिया होता है, इनबिल्ट दे रखा है। मैं इसको ओके कर लेता हूँ ताकि जो है नॉइस थोड़ी कम रहे। इसके बाद ओके दबा देंगे तो ये फिगर यहाँ से हट जाएगी। नाउ व्हाट वी विल हैव टू डू इज, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस रिकॉर्डिंग के अंदर क्या है, मेरे कंप्यूटर में दो माइक्स अटैच हो गए हैं, एक ये जो कंडेंसर माइक जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक अभी अभी हमने जो बोया माइक अटैच किया है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, मैं जिस सॉफ्टवेयर OBS जो यूज़ कर रहा हूँ, मैंने उसको ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, मुझे मैंने ईजिली डिटेक्ट किया हुआ है कि ये बोया माइक जो है वो कौन सा है और ये वाला माइक कौन सा है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन करते हैं Audacity की, OBS के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको भी पता चल जाएगा। सो पहले Audacity ये ओपन कर लिया मैंने। अब ये जो Audacity ओपन होता है दोस्तों, अब Audacity में कौन सा माइक कहाँ पर है आपको ये देखिए, जैसे मैंने बोया माइक अटैच किया है तो एग्जैक्टली ऊपर आप यहाँ पे देखिएगा इधर जो लिखा रहा है माइक्रोटेक रियल ऑडियो USB, वो इसकी बात कर रहा है क्योंकि USB इसे इंसर्ट होता है। इसी पर अगर मैं क्लिक करूँ, इसको एक्सपेंड करूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ देखिएगा कुछ चीज़ें लिखी आ रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट साउंड मैपर, माइक्रोटेक रियलटेक USB, वो यही वाला है, माइक्रोटेक रियल हाई डेफिनेशन। तो इनमें से जो ये वाला रियलटेक हाई डेफिनेशन है, यही वाला जो है ये बोया माइक है। इसको मैं क्लिक कर दूँ अगर, तो अब बोया माइक में जो भी बात हम बोलेंगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड होने लगेगी। अगर मैं इसको रिकॉर्डिंग का बटन दबाऊँगा, तो जैसे अभी मैं इसमें बोल रहा हूँ ये बोया माइक है, हेलो तो आपने देखा जब बोया, अभी मेरी वॉइस कैच कर रहा है बोया माइक, इसलिए वहाँ पे ऐसी बात आ रही है। इसलिए जब बोया माइक मेरे पास आता है तो देखिएगा जो फिगर है वो एकदम बढ़ जाती है। सो दिस इज़ हाउ बोया माइक गेट्स अटैच टू दिस थिंग। सो ये तो एक चीज़ हो गई, आपको पता चल गया कि बोया माइक कैसे अटैच होता है। अब नेक्स्ट इसको क्लोज कर देते हैं। ये तो आपने देख लिया कि बोया माइक हम अटैच कैसे करते हैं इन Audacity। अब आ जाते हैं कि हम OBS ओपन करते हैं आप एक बार। तो दोस्तों, ये हमने ओपन कर लिया OBS, और OBS में अब हमने ऑलरेडी बोया माइक तो अटैच किया हुआ है लेकिन वहाँ शो नहीं हो रहा है, बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर जो दो ही चीज़ें लिखी आ रही हैं, डेस्कटॉप ऑडियो को हमने ऑफ किया हुआ है और दूसरा माइक ऑब्लिक ऑक्स, वो बिल्कुल भी बार जो है वो हिल नहीं रहा है, यानी कि बोया माइक अटैच नहीं हुआ है।
तो अब वट वील हैव टू डू इज कि सीन्स के अंदर जो है यहाँ पर सोर्सेज जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे विल क्लिक ऑन प्लस और यहाँ पे हम ऐड करेंगे ऑडियो इनपुट कैप्चर। तो ये यहाँ पर ये आ रहा है ऑडियो इनपुट कैप्चर, और यहाँ पर हम माइक ऑब्लिक ऑक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने माइक ऑब्लिक सिलेक्ट कर लिया, एड एग्जिस्टिंग माइक ऑब्लिक ऑक्स, इस पर ओके कर लेते हैं। सो माइक ऑक्स यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस माइक ऑक्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस पर वट विल डू इज हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रही है डिवाइसेस। अब डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे आपको ओपन करना है और इधर देखिएगा माइक्रोफोन रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो, ये एक्चुअली बोया माइक हो गया। इसके नीचे अगर हम बात करें माइक्रोफोन यूएसबी, वो ये कंडेंसर माइक हो गया। और ये जो आप वर्चुअल कैमरा देख रहे हैं, वर्चुअल ऑडियो ड्रॉइड कैम, आपके केस में शायद ये शो नहीं हो रहा होगा। अगर आप ड्रॉइड कैम यूज़ करते हैं तो ये शो हो रहा होगा, क्योंकि ड्रॉइड कैम की एप्लीकेशन के साथ ये भी डाउनलोड हो जाता है। और यहाँ पे माइक्रोफोन रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, दिस इज अवर बोया माइक, इसको भी यहाँ से मुके करेंगे। एंड अब देखिएगा बोया माइक की सेंसिटिविटी वहाँ पे शो हो रही है, बोया माइक इज एक्चुअली वर्किंग देयर। सो ये वाला चीज़, अब बोया माइक जो है एक्चुअली बहुत सेंसिटिव होता है, इसी वजह से आप देखेंगे कि वो बहुत, इवन यहाँ पे एक फ़ैन चल रहा है उसकी वॉइस को भी वो कैप्चर कर रहा है। तो ये एक्चुअली बोया माइक रिकॉर्डिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन है, अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो दिस इज़ द करेक्ट प्रोसीजर। आप OBS में और दूसरा जो Audacity है उसमें बोया माइक को कैसे अटैच कर सकते हैं, लेकिन OBS के अंदर इसको अटैच जब करते हैं तो काफ़ी बजिंग साउंड आती है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप जाकर आप चेक कर सकते हैं कि बोया माइक जब हम अटैच करते हैं तो उसकी बजिंग साउंड को कैसे हटाएं। इट इज़ अलग सेपरेट वीडियो है, तो आप जाके देखना चाहें उसको देख सकते हैं। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।